नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है राजीव एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग, जिसे मैंने जिरी नाम दिया है। अब दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी क्लास टेंथ में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू रखने के बाद जो दिक्कत आती है, वो वैल्यूज तो रख देते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उसी को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 30 टेन 45 कॉसेक 60 होल अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो एट फर्स्ट विल पुट वैल्यूज, सबसे पहले हम इसमें वैल्यू रख ले। वैल्यू रखने पर हम देखते हैं साइन 30 1/2 टेन 45 1 एंड कॉसेक 60 2/√3 एंड सेम यहां पर भी करेंगे आप sec 30 2/√3 cos 60 1/2 एंड cot 45 1। ये आपने, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें आपको थोड़ा सा एक चीज पे फोकस करना है कि भाई यहां पे रेशनल और इरेशनल नंबर पर ध्यान दें। अगर रेशनल और इरेशनल नंबर पे ध्यान दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत छोटी होने वाली है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग 1/2 और 1 रेशनल है, सेम यहां भी है, और ऊपर और नीचे केवल एक माइनस का डिफरेंस है कि -2/√3 है और यहां +2/√3 है। तो कैलकुलेशन भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लगभग एक जैसा ही है। तो हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर यानी जो परिमेय नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 में 1 ऐड हुआ, डेढ़, 1.5, इट मींस 3/2 -2/√3। ऐसे ही यहां पर भी करिए, सबसे पहले रेशनल नंबर्स को यानी कि परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए, 1/2 +1 3/2 और ऐसे ही +2/√3। अब देखिए ये बहुत छोटा हो गया। अब यहां पर आप लोग एलसीएम ले सकते हैं और ये प्रोसेस भी दोनों न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर में एक जैसी है, अंश और हर में। तो अब जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं हमारा जो एलसीएम है वो आता है 2√3, तो ये हो जाता है आपका 3√3 -2 2 4 होल अपॉन 3√3 +4 एंड होल अपॉन 2/√3। तो दोस्तों अब जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से हमारे सामने है। इसको सॉल्व करने के लिए ये a अपॉन b और होल अपॉन c अपॉन d यानी दो फ्रैक्शन एक दूसरे के अपॉन में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि a अपॉन b इंटू d अपॉन c हम इसे लिख सकते हैं, जैसा कि ये a अपॉन b इंटू d बाई c, यानी कि आप नीचे वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को ऊपर ले आएंगे। तो करते हैं 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू, ये देखिए ऊपर चला जाएगा d 2√3 और अपॉन में 3√3 -4। अब आप देख रहे हैं ये हर में है आपका, ये अंश में है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आपके पास जो बचा हुआ है फ्रैक्शन दैट इज 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4 है। तो अब एक ही काम बचता है आप लोगों के पास, रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ये आपको पता है आप कैसे करेंगे, आपको डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो आप इसके अपोजिट साइन से नंबर को सेम रखते हुए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में इसकी अपोजिट साइन से इंटू करते हैं। ये देखिए, अब आपको अगर आइडेंटिटीज लर्न है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
ये दोनों सेम है, तो मींस ए माइनस बी, ए माइनस बी, इट मींस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, हमारा ए थ्री रूट थ्री है, तो थ्री रूट थ्री का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो थ्री थ्री जर नाइन और नाइन थ्री जर 27, नाइन इंटू थ्री यानी कि 27 प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास बी फोर की फॉर्म में है, तो फोर फोर जर 16 और लास्ट माइनस टू ए बी, तो जब आप टू ए बी करते हैं तो टू थ्री जर सिक्स फोर जर 24 रूट थ्री और होल अपॉन में फिर से आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर थ्री रूट थ्री वी हैव ऑलरेडी डन इट, नाइन थ्री जर 27 माइनस बी स्क्वायर मीन्स फोर स्क्वायर 16। अब देखिए आपके पास ये लगभग सॉल्व हो गया, इसे आगे बढ़ाते हैं, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 रूट थ्री एंड 27 माइनस 16 11। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ है तो लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करिएगा ताकि मैं आने वाले समय में और वीडियो दे सकूं और आप लोगों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सका, तो मेरा वीडियो वीडियो बनाना मेरा सफल मानो। तब तक के लिए नमस्कार।